दोस्तों, जानवरों की दुनिया बहुत नायाब है, लेकिन अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते। क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में जितनी जानवरों की स्पीशीज हुआ करती थी, उनमें से 99% धरती से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी है, यानी हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे दोस्तों। साथ ही जो स्पीशीज आज भी धरती पर मौजूद है, उसमें से 80% स्पीशीज को अब तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। जानवर विविधताओं का भंडार है, और इसी के साथ वो एक आईना भी है जो हमें ये दिखाते हैं कि अगर इंसान ना होते तो जीवन को लेकर हमारा नजरिया क्या होता। तो आइए आज ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हम सभी ने बचपन में सुना है कि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन इस वाक्य में एक परेशानी ये है कि बाकी जानवरों को नहीं मालूम है कि शेर जंगल का राजा है। इसीलिए ऐसे कई जानवर हैं जो शेर को बड़ी आसानी से मार देते हैं। इनमें से सबसे हैरान कर देने वाले जानवरों में से एक है जिराफ। जिराफ यूं तो शाकाहारी है, लेकिन अगर कोई शेर उस पर हमला कर दे तो वो अपनी लंबी लंबी टांगों से शेर को भी फुटबॉल की तरह हवा में उछाल सकता है। जिराफ की किक का फोर्स इतना ज्यादा होता है दोस्तों कि या तो शेर उसी वक्त मर जाता है, या इस तरह घायल हो जाता है कि फिर शिकार करने के लायक नहीं बचता। जिराफ के अलावा हिप्पो, हाइनास और वाटर बफेलो जैसे जानवर भी शेर को पछाड़ने में जरा भी संकोच नहीं करते। इसके अलावा जब भी कोई शेरों का झुंड हाथियों के शिकार के लिए जाता है, तो सभी बड़े हाथी बच्चों के आसपास घेरा बना लेते हैं और एक दीवार की तरह शेर को अंदर आने से रोक लेते हैं। साथ ही अगर शेर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अपने लंबे दांत और सूंड को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हाथी भी शेर को आसानी से मार सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शेर राजा तो है, लेकिन उसकी सरकार हमेशा खतरे में ही रहती है। हनी पॉट एंट्स के बारे में शायद आपने कम सुना हो, लेकिन ये कमाल का क्रिएचर है। हनी पॉट एंट्स की सोसाइटी में सभी को अपना काम पता है, और हनी पॉट एंट्स में कुछ एंट्स ऐसी हैं जिनका काम सिर्फ खाने या शहद को स्टोर करने का है। शहद को स्टोर करने के लिए एंट्स अलग से कोई छत्ता नहीं बनाती, इसलिए अपने अंदर ही शहद को स्टोर कर लेती हैं। कुछ एंट्स का काम शहद स्टोर करने का है, तो कुछ का काम शहद लाने का। इन्हें वर्कर एंट्स भी कहा जाता है। ये वर्कर एंट्स जगह जगह से शहद लाती हैं, और इन एंट्स के फूले हुए स्टोरेज पार्ट में डाल देती हैं। जिस मौसम में इन्हें कुछ खाने की जरूरत पड़ती है, तो वहीं से सीधा ये एंट्स शहद निकालती हैं। वर्कर एंट्स इन स्टोरेज एंट्स को लगातार साफ भी करती रहती हैं। पर आपको कैसा लगेगा अगर एक जीव का काम सिर्फ चीजों को अपने अंदर स्टोर करना हो? क्या ऐसे जीवन का कोई फायदा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इंसानों को जानवरों में सबसे ज्यादा कुत्ते और बिल्लियां ही पसंद हैं, पर इनके बारे में भी हम बहुत ही कम जानते हैं। क्या आपको पता है कि जो मेल पपी होते हैं, वो फीमेल पपीज के साथ खेलते हुए कभी कभी उन्हें जानबूझकर जीतने भी देते हैं? क्यों? आपको पता ही है क्यों? ताकि उन लोगों में दोस्ती हो सके और वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। दोस्तों, बिल्लियों का जीवन बहुत ज्यादा अजीबोगरीब और मजेदार है। जो लोग बिल्ली पालते हैं, उन्हें हम बता दें कि बिल्लियां अपने मालिक को एक इंसान की तरह नहीं देखती, बल्कि उन्हें लगता है कि उनका मालिक भी एक बड़ी बिल्ली है। बिल्लियां जब ये देखती हैं कि इतनी बड़ी बिल्ली चार टांगों पर नहीं चल रही और ढंग से नहीं चल पा रही और शिकार तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, तो बिल्लियों को अपने मालिक पर दया आ जाती है, और कई बार वो सिर्फ अपने मालिकों के लिए चूहे का शिकार करके ले आती हैं ताकि वो जिंदा रह सके। बिल्लियों के बारे में एक और थ्योरी काफी प्रचलित है, जो उन्हें किसी हिंदी टीवी सीरियल में नेगेटिव रोल दिलाने के लिए काफी है। माना जाता है कि बिल्लियां जब अपने मालिक के साथ रहती हैं, तो हवा में एक अलग तरह की खुशबू छोड़ती हैं। ये खुशबू काफी एडिक्टिव होती है, और वो चाहती हैं कि आपको इसकी लत लग जाए, और अगर आपको इसकी लत लग गई तो आप कभी अपनी बिल्ली से दूर नहीं जाएंगे और आपको उनसे प्यार होता रहेगा। आपने रात को जुगनू तो देखे ही हैं, पर क्या आपको पता है कि मेल जुगनू फीमेल जुगनू से ज्यादा लाइट एमिट करते हैं? ज्यादा लाइट एमिट करके वो फीमेल जुगनुओं को अट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं। कभी कभी फीमेल जुगनू भी ये देखकर रिप्लाई करने के लिए लाइट एमिट करती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल जुगनू से दोस्ती करना चाह रही है। दरअसल ये उनकी चाल होती है कि जैसे मेल जुगनू वहां उनके पास आएगा, वो उन्हें खा जाएंगी। जी हाँ, सही सुना आपने।
एडॉप्शन या अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रथा केवल इंसानों में नहीं है, ये बहुत हैरानी की बात है कि जानवर भी बच्चों को गोद लिया करते हैं। बॉलीवुड के लॉजिक से इतर ज्यादातर शेर झुंडों में शिकार करते हैं, और ऐसे में कई बार किसी शेरनी की मौत होने पर दूसरी शेरनी उसके बच्चों को अडॉप्ट कर लेती है। शेरों के अलावा चिंपैंजी भी बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं, इसीलिए वहां भी किसी रिश्तेदार के बच्चों को गोद लेना आम बात है। लेकिन गिलहरियां ऐसे एक कदम और आगे ले जाती हैं। एंड्रयू मैकएडम जो एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वो बताते हैं कि शेर और चिंपांजियों के लिए अपने रिश्तेदारों के बच्चों को गोद लेना फिर भी समझ में आता है, लेकिन गिलहरियां जो ज्यादातर एक दूसरे से दूर रहती हैं और अपने इलाके में दूसरी गिलहरियों को पसंद नहीं करती, उनमें भी अनाथ बच्चे को देखकर ममता जाग जाती है और वो भी उन्हें गोद ले लेती है। पांडाज हम सभी ने कितनी बार टीवी पर देखे हैं, पर हम उनके बारे में कितना ही जानते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया के सभी पांडास की मालिक चीनी सरकार है? दुनिया में सिर्फ चीन में ही पांडा पाए जाते हैं, और चीन से कुछ लोग जू में दिखाने के लिए पांडा ले जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लीज पर होता है, यानी उन्हें वो पांडा चीनी सरकार को कुछ सालों बाद वापस करना पड़ेगा। उसके अलावा पांडास की डाइट भी बहुत अजीब है। पांडास हर दिन 12 से 38 किलो तक बैम्बू खा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैम्बू एक घास है, इसलिए उनमें ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, और अगर पांडास को अपने भारी भरकम शरीर को जिंदा रखना है तो उन्हें बहुत सारा बैम्बू खाना ही पड़ेगा। अजीब बात यह है कि पांडा का डाइजेस्टिव सिस्टम मांस खाने के लिए भी बना है, फिर भी वो सिर्फ बैम्बू ही खाते हैं। जब भी कोई जानवर ऐसी चीज निगल लेता है जो उसे नहीं खानी चाहिए या उसके लिए खतरनाक हो सकती है, तो ज्यादातर वो उल्टी करना शुरू कर देता है ताकि वो बाहर आ जाए और उसके शरीर को नुकसान ना हो। चूहे ऐसा नहीं करते, और सिर्फ इसी वजह से चूहे मारने की दवाई इतनी असरदार होती है क्योंकि वो अब उसके शरीर में ही रहने वाली है। चूहों के अलावा मेंढक भी वैसे उल्टी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कभी जहर जैसी सिचुएशन आ जाए तो अपना पूरा पेट ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब जाते जाते एक फैक्ट और एक फन फैक्ट। फैक्ट ये है कि डॉल्फिन को सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आना पड़ता है, इसी वजह से सोते वक्त भी डॉल्फिन का आधा दिमाग ही सोता है और बाकी दिमाग थोड़े थोड़े वक्त में डॉल्फिन को ऊपर से नीचे ले जाता रहता है ताकि वो जिंदा रहे। आज का फन फैक्ट ये है कि एक उल्लुओं के ग्रुप को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है आप खुद ही सोचिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस वीडियो में कितने फैक्ट्स पहले से पता थे हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं।